आइए आपको दिखाते हैं माधुरी दीक्षित के 8 शानदार डायलॉग्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये डायलॉग है फिल्म तेजाब से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 11 नवंबर 1988 को। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और चंकी पांडे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एन चंद्रा ने। खुदा के मजाक का भी जवाब नहीं। जिस आदमी ने इतनी जिंदगियों का तमाशा बनाया, आज वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गुजारिश करने आया है। ये डायलॉग है फिल्म कलंक से, जो कि रिलीज हुई थी 17 अप्रैल 2019 को। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट और वरुण धवन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अभिषेक वर्मन ने। बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए। ये डायलॉग है फिल्म ये जवानी है दीवानी से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 31 मई 2013 को। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित का एक छोटा सा ही रोल है। इसके अलावा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण और आदित्य रॉय कपूर। ये फिल्म डायरेक्ट की थी आयान मुखर्जी ने। तुम तो मेरे होने वाले पति थे, मुझसे जीवन भर का नाता जोड़ना चाहते थे, मगर शायद तुम नहीं जानते कि पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद क्या होती है। वो होता है विश्वास, भरोसा, और जो एक रात के लिए अपने होने वाली पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता, वो जीवन भर उसका साथ क्या निभाएगा। ये डायलॉग है फिल्म बेटा से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 3 अप्रैल 1992 को। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंद्र कुमार ने। एक औरत अपने सीने में अगर दया और ममता का सागर रखती है, तो नफरत की ऐसी आग भी रखती है जिसकी छोटी सी चिंगारी किसी को भी जलाकर राख कर सकती है। ये डायलॉग है फिल्म अंजाम से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 22 अप्रैल 1994 को। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राहुल रवाइल ने। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं? तेज बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं? उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं? वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो तेज बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? ये डायलॉग है फिल्म देवदास से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 जुलाई 2002 को, और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संजय लीला भंसाली ने। अगर तुम्हारा प्यार पाने का यही तरीका है, अगर तुम्हारी नजरों में यही प्यार की परिभाषा है, अगर वासना ही तुम्हारे प्यार की कसौटी है, लो, कर लो इस शरीर के साथ खिलवाड़। आओ, बुझा लो अपने मन की आग, रोन डालो अपनी मर्यादा और मेरी पवित्रता को। आओ राजा, आओ। I said, come on! ये डायलॉग है फिल्म राजा से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2 जून 1995 को। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे माधुरी दीक्षित, संजय कपूर और परेश रावल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंद्र कुमार ने। सब मर्द एक जैसे होते हैं, जो बात इनके कानों को अच्छी लगे, जो बात इनके मन को रिझाए, वही बोलते रहो तो सर पर बिठाकर पूजा करेंगे, कहेंगे देवी है, और जिस दिन अपने मन की बात कह दी तो कहेंगे उल्टा है, चरित्रहीन है, शोर मचा रहे समाज के ठेकेदार। अरे जरा पूछो, पूछो इनसे, सदियों से औरत सती होती आ रही है, कभी कोई मर्द कूदा है आग में अपनी औरत के लिए? पूछो। ये डायलॉग है फिल्म लज्जा से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 31 अगस्त 2001 को, और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे मनीषा कोइराला, रेखा, माधुरी दीक्षित, महिमा चौधरी, अनिल कपूर, अजय देवगन और जैकी श्रॉफ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने।